सीधी जिले के सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील व्यास के भोपाल और सीधी स्थित ठिकानों पर छापा मारा। इंजीनियर के घर में सोने और चांदी के बर्तन मिले हैं। बताया गया है कि इंजीनियर इन्हीं बर्तनों में खाना खाता है। इसके अलावा करोड़ों की प्रॉपर्टी और करीब 5 लाख के अलग अलग कंपनियों के शेयर भी मिले हैं। लोकायुक्त की टीम ने सोने चांदी के बर्तन तौलने के लिए तराजू मंगाया। ज्वेलरी में सोने के सिक्के भी मिले हैं। चांदी के 2 हाथी, चांदी की आधा दर्जन से ज्यादा मूर्तियां, 100 से ज्यादा सोने के सिक्के, सोने के गिलास, चांदी का डिनर सेट, चांदी का टी सेट और 2 दर्जन चांदी की कटोरियां मिली हैं। पुलिस ने बताया है कि राजधानी भोपाल स्थित 2 ठिकानों के अलावा सीधी में उनके आवास तथा दफ्तर में भी सुबह एक साथ छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें उनके पास से अब तक की कार्रवाई में भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी और अरेरा कॉलोनी में 2 मकान तथा होशंगाबाद जिले में 13 एकड़ कृषि भूमि के अलावा नकदी और सोने चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई अभी जारी है, जिसमें और भी बेनामी संपत्ति के खुलासे की उम्मीद की जा रही है। असल में इंजीनियर के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति होने की शिकायत हुई। लोकायुक्त ने पहले शिकायत का सत्यापन किया, इसके बाद आरोप सही पाए जाने पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की।